स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। मोतियाबिंद आंखों के लेंस में धुंधलापन होता है, जिससे देखने की क्षमता में कमी आती है। यह तब होता है जब आंखों में प्रोटीन के गुच्छे जमा हो जाते हैं, जो लेंस को रेटिना को स्पष्ट चित्र भेजने से रोकते हैं। रेटिना लेंस के माध्यम से संकेतों में आने वाली रोशनी को परिवर्तित करता है। बात करें भारत में इसके पेशेंट की, तो जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, महिला हैं पुरुष हैं, 60 साल से जो ऊपर के हैं, उनमें 74% लोग इससे पीड़ित हैं। यानी 60 साल के बाद 74% लोग इससे पीड़ित हैं। आप इससे समझ लीजिएगा कितनी विस्तृत है ये बीमारी। बात करें इसके प्रकार की, तो जो उसका पहला प्रकार है वो है न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक मोतियाबिंद। सबसे सामान्य प्रकार का ये मोतियाबिंद होता है, लेंस के सख्त और पीले होने से बनता है, आंखों को केंद्रित करने की क्षमता कम करता है। यानी जब आप किसी चीज को फोकस के द्वारा देखते हैं ना, किसी चीज को, वो आप फोकस उस पर नहीं कर पाते हैं। दूसरा प्रकार है इसका कोर्टिकल मोतियाबिंद। इस मोतियाबिंद में लेंस के बाहरी हिस्से में सफेद सा दिखने वाला थक्का बन जाता है और धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ता है। यानी साइड से शुरू होगा और धीरे धीरे ऐसे सिकुड़ता सिकुड़ता केंद्र की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो ये इसका दूसरा प्रकार है। काम सब में यही होगा कि दिखना बंद हो जाएगा, सबका काम यही होगा। तीसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम है सब कैप्सुलर मोतियाबिंद। और इस तीसरा जो मैंने आपको बताया मोतियाबिंद, इसका मेन कारण क्या होता है? मधुमेह, यानी शुगर के पेशेंट है टाइप 1 या टाइप 2। दूसरा इसका कारण क्या हो सकता है? दूसरा इसका कारण है, अगर आप स्टेरॉयड लेते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉयड, जो कि टैबलेट खाने वाली दवाइयों में होते हैं। एक स्टेरॉयड होते हैं जो जिम में इस्तेमाल करते हैं, एक होते हैं कोर्टिकोस्टेरॉयड जो कि दवाइयों में होते हैं। तो उसकी ज़्यादा सेवन से दर्द, पैरों के दर्द की दवाई चल रही है, कमर के दर्द की दवाई चल रही है, पेट की दवाई चल रही है खाने की, उसकी वजह से भी आपको मोतियाबिंद की शिकायत होनी शुरू हो जाती है, नज़रें आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। अब बात करते हैं इन सभी मोतियाबिंद की, कि इनके कारण क्या हैं। इनके तो मैंने बता दिए, बट जो ओवरऑल की बात करें तो देखिए, पहला तो मधुमेह है, मैंने बताया था ना, सब में काम करेगा। मधुमेह है, शुगर है आपको, डायबिटीज़ है, तब आपको मोतियाबिंद हो सकता है। आपको पोषण संबंधित कोई विकार है, आपको पोषण नहीं मिल रहा है खाने से, खाना सही नहीं खा रहे हैं, फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, विटामिन, प्रोटीन, आपको चीज़ें, फाइबर, इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तब भी आपको मोतियाबिंद हो सकता है। अगर आप ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो भी आपको मोतियाबिंद होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप दवाइयों का सेवन करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था कि सिर दर्द की, पेट दर्द की, कमर दर्द की, किसी भी चीज़ की आप दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, तो भी आपको मोतियाबिंद हो जाता है। अगर आप अल्ट्रावायलेट विकिरण में, यानी खुली धूप में, अल्ट्रावायलेट विकिरण में रहते हैं, तब भी आपको मोतियाबिंद होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं जाँच की। देखिए, इसमें आँखों के दबाव को मापने के लिए अलग अलग दूरी पर आँख चार्ट परीक्षण और टोनोमेट्री टेस्ट करते हैं। इसके अलावा रोशनी के प्रति संवेदनशीलता और रंगों को देख पाने की जांच की जाती है, और डॉक्टर आपकी आंखों में कुछ विशेष आई ड्रॉप डालते हैं ताकि आपकी पुतली बड़ी हो जाए, जिससे आपकी आंख के पीछे ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना को जांचना आसान हो जाए। अब बात कर लेते हैं आपकी केस में आपको क्या उपचार करने पड़ते हैं। तो पहला उपचार तो ये है कि आपको शुरू में ही, जब आपको इस तरह की दिक्कत महसूस हो और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको एक चश्मा दे दिया जाता है ताकि आपकी आंख की रोशनी वहीं रुक जाए, मोतियाबिंद वहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े, और फिर कुछ विशेष आई ड्रॉप के द्वारा आपका इलाज कर दिया जाता है। आप ड्रॉप डालते हैं रेगुलर बेस पे, तो हो सकता है आने वाले समय में चश्मा भी छूट जाए। कोई परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं है, परमानेंट कोई बीमारी नहीं है, भले ही वो चाहे एड्स हो, कैंसर हो, सही इलाज की जरूरत है। फिर दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, एक छोटी सी सर्जरी, स्मॉल इंसीजन सर्जरी की जाती है। इसमें क्या करता है, छोटा सा चीरा लगा करके जो आपका प्राकृतिक लेंस है आंखों का, इसे निकाल लिया जाता है, और इसके सब्स्टिट्यूट में, इसके बिहाफ में, इसकी जगह पर प्लास्टिक का एक लेंस, जो खुद ही सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड होता है, खुद बनाया हुआ होता है डॉक्टर के द्वारा, लैब के द्वारा बनाया गया होता है, वो आपकी आंखों में लगा दिया जाता है। तो जो लेंस आपका कुदरती था, प्राकृतिक है, वो निकाल करके प्लास्टिक का लगा दिया जाता है, तो उससे भी आपकी रोशनी में सुधार हो जाता है। ये तब किया जाता है जब पूरी तरह से आंखों की रोशनी खत्म हो जाए, मोतियाबिंद पूरी आंख पर फैल जाए, ये तब हो जाता है जब लेंस पूरी तरह से धुंधला हो जाए, आपको दिखाई देना बंद हो जाए। तो ये इसके उपचार किए जाते हैं, वरना आई ड्रॉप डालते रहते हैं तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाता है। एक आई ड्रॉप मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, अगर आप मेरी तरफ से इलाज जानना चाहते तो एक आई ड्रॉप बताई थी मैंने पिछली वीडियो में, जिसका नाम था आइसोटीन प्लस। अगर डेली बेसिस पर आप इसे
दो दो बूंद सुबह शाम डालते हैं अपनी आंखों में, और डाल करके आधा घंटे आंख बंद करके लेट जाइए। ये नहीं कि आपने लिया फिर ऐसे ऐसे पलक झपकाते फिर, आंख बंद करके आधा घंटा लेट जाइए तभी वो असर करेगी। तो अगर मोतिया की शुरुआत है, मोतियाबिंद की शुरुआत है, नज़र कमज़ोर होने की शुरुआत है, वो वहीं पर रुक जाएगी, और धीरे धीरे अगर आप उसे रेगुलर करते हैं तो रोशनी दोबारा से वापस आ जाती है। कई पेशेंट पर ट्राई किया है और रिजल्ट भी मिला है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई जानकारी अधूरी रह गई तो मैसेंजर पर आकर आप मैसेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।